हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2024 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स टू पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाई 80 मीटर इन 2 सेकेंड। एक बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, और वह जो टू पॉइंट मान लेते हैं कोई टू पॉइंट ए और बी है, उसके बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है और उसको कवर करने में उसको 2 सेकेंड लगता है। द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, तो हमें जो पॉइंट ए है उससे जो अपर पॉइंट है यानी जहां से बॉल को ड्रॉप किया गया उसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। मान लेते कि सी पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया गया और ए पॉइंट से होते हुए वह बी पॉइंट तक जाता है और ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस 80 मीटर दिया गया है और साथ में यह भी दिया गया है कि ए से बी तक जाने में उसको 2 सेकंड टाइम लगता है। और मान लेते हैं कि ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वह एस है, तो इनिशियल जहां से बॉल ड्रॉप किया जाता है वहां पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यू इक्वल टू जीरो होगा। और मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर उसका वेलोसिटी वी वन है, तो हम सबसे पहले ए और बी के बीच में यानी ए से बी तक जो बॉल कवर ट्रेवल करता है उसके उसको कंसीडर करते हैं और हम वी वन को कैसे निकालेंगे या देखिए, यानी ए पॉइंट पर जब ऊपर से सी पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो ए पर जो उसका वेलोसिटी वी वन है वह हम पहले निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम ए और बी के बीच जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एस हमें मालूम है और यू की जगह भी वन हो जाएगा और टी भी हमें मालूम है और ए की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको पुटअप करेंगे तो ए टी इक्वल टू भी वन इंटू टू प्लस हाफ और ए की जगह 10 यानी जी हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए टी इक्वल टू 2 भी वन प्लस 20 हो जाता है और इससे हम भी वन निकाल लेते हैं तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यानी ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का यानी बॉल का वह 30 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें एस निकालना है यानी सी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम सी से ए के बीच को हम कंसीडर करते हैं और अब यहाँ पर हमें देखिए यू मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और भी वन भी मालूम हो गया अभी, तो फाइनल वेलोसिटी भी मालूम हो गया ए सी और ए के बीच का और एक्स ए हमें मालूम है ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें एस को हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी की जगह हमें वी वन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यू की जगह 0 स्क्वायर प्लस 2 जी एस। तो वी वन अभी हम लोगों ने निकाला 30, तो 30 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू एस। तो हम एस निकाल लेंगे तो 900/20 हो जाएगा और एस इक्वल टू हो जाएगा 45 मीटर, यानी सी से ए के बीच का जो डिस्टेंस है वह 45 मीटर होगा। तो आज का वीडियो यह समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।